नमस्कार, आप देख रहे हो डीपी की न्यूज। मैं आपके साथ सुभाष चौधरी, और आज नागौर जिले की जो पंचायत समिति है मोला सर, वहां से महिला सीट थी, ऐसी सीट थी, तो वहां से मंजू देवी मेघवाल यहां से जो प्रधान बने हैं, तो आज हमारे साथ उनका जो नेतृत्व कर रहे हैं गिरधारी जी मेघवाल, तो इनसे बात करेंगे भी जीत का श्रेय किसको देना चाहते हैं। और हमारे साथ बता देते हैं, हमारे साथ रहेंगे गिरधारी जी है जो कॉमरेड, और यहाँ से इनसे बात करेंगे इन जो बोर्ड बना है इसके अंदर इनकी क्या भूमिका रही, और ये मोला सर का जो बोर्ड बना है एक निर्दलीय बोर्ड बना है, अब की बार यहाँ की जनता ने जो एक अलग ही यहाँ की पहचान बनाई है, अब की बार निर्दलीय बोर्ड बना है, तो इनकी क्या भूमिका रहेगी, और पंचायत समिति में कौन सी बड़ी समस्या है जिसको लेकर ये चुनाव लड़े। तो साहब चंद्र के अंदर स्वागत है, और बहुत बहुत जीत की बधाई आपको। देखो, जो भी आज जनता ने मेरे को इस मुकाम पर पहुंचाया है, तो जो भी समस्या है मैं पूरी कोशिश करूंगा और तन मन से हर समस्या को मिटाऊंगा। तो जैसे आपके पुत्र वधु पंचायत समिति मोला सर से प्रधान पद पे विराजमान है, तो आप नेतृत्व तो कर रहे हैं उनका, हाँ, तो ये जो चुनाव है आपका फर्स्ट चुनाव है, इससे पहले भी आपने कोई चुनाव लड़ा? फर्स्ट चुनाव है, फर्स्ट चुनाव पहले सरपंच का लड़ा था। तो बात करेंगे जैसे भ्रष्टाचार की, पंचायत समिति के अंदर बहुत सा भ्रष्टाचार के कई आरोप लगे, तो उसके अंदर हमने देखा था, तो अगर आपकी पुत्र वधु यहाँ से है, तो भ्रष्टाचार खत्म करने पे आपकी क्या कोशिश रहेगी? बहुत कोशिश करेंगे जी, तो जीत का श्रेय जो पूरा ये पूरी पंचायत समिति के अंदर, आपके कौन सी बड़ी समस्या है जिसको लेकर आपने चुनाव लड़ा? जो भ्रष्टाचार नहीं, गांव गांव का विकास, गांव के गांव में विकास का भ्रष्टाचार, जो भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे। रमेश जी ना जाए तो हमारे साथ रामेश्वर जी हैं, तो इनसे बात करेंगे जो बोर्ड बना है, तो इनके अंदर इनकी क्या भूमिका रही? स्वागत आपको। पहले तो जीत की आपके पंचायत के अंदर लगातार यहाँ की आपकी जो पंचायत की जनता है वहाँ पर लगातार प्रधान बन गए पंचायत समिति बनने के बाद में, तो इसके अंदर अब की बार आपने जैसे प्रधान बनाया, इनके साथ आपने कार्यकर्ता के रूप में काम किया है, तो क्या भूमिका रही आपकी? तो हमारे तो यही उनको साथ लेके चलेंगे, पूरे सरपंचों का से लेंगे, और पहले हमारे को क्या कांग्रेस की टिकट मांगी थी हमने, उन्होंने दी नहीं, इसलिए निर्दल इसको जिताया, और निर्दल ने इनके यहाँ सुदर्शन वाल ये बगीचे ने सहयोग किया, कांग्रेस के सहयोग से हम प्रधान बने। तो रामेश्वर जी, आपने देखा होगा, आप भी सरपंच रहे हो, ज्यादातर देखा गया पंचायत समिति के अंदर सरपंचों के साथ भेदभाव होता है, ये बीजेपी का सरपंच है, कांग्रेस का, तो आपकी इनके जो नेतृत्व कर रहे हैं, तो इसके अंदर आपको क्या लगता है, अभी मंजू जी भेदभाव करेंगे या सबको समान लेंगे? नहीं, बिल्कुल बिना भेदभाव के कार्य करेंगे। तो जो ये जीत का श्रेय किसको देना चाहोगे? तो आपने देखा होगा पंचायत समिति के अंदर बहुत से भ्रष्टाचार, जो दो दो तीन तीन परसेंट जो कमीशन बेस चलता है, तो इस पे अंकुश लगाने के अंदर मतलब आपके जो यहाँ से कैंडिडेट है जो प्रधान बने हैं उनका क्या रहेगा इसके ऊपर? कामरेड तो वैसे ही भ्रष्टाचार के हमेशा खिलाफ रहे, और इनकी यहाँ से धर्मपत्नी सरपंच भी है इस पंचायत समिति के अंदर, तो इनसे बात करेंगे इनकी क्या भूमिका रहेगी इसके अंदर। सब जैसे पहले भी आपने मिल चुके हैं, आपने बताया हम भ्रष्टाचार पे हमेशा आवाज उठाते रहेंगे, और यहाँ की जो जनता है तो उन्होंने आपको मौका देती है बार बार, और आप कुछ वोटों से अंतर है, आप जिला परिषद के अंदर चुनाव लड़ रहे थे, तो जिला परिषद में जाते तो जाहिर सी बात है वहाँ भी भ्रष्टाचार पे काफी अंकुश लगाने में आप सक्षम रहते, तो इस पंचायत समिति के अंदर आप क्या भूमिका रहेगी? देखो, पंचायत समिति के अंदर अभी जो हमारा प्रधान बना है उसमें महत्वपूर्ण हमारी भूमिका रही है, चार निर्दलीय जीत के आए, दो वैसे कांग्रेस के पक्ष में चले गए, लेकिन दो जो निर्दलीय थे हमने मजबूती के साथ डटे रहे, और इसी का परिणाम है कि आज एक निर्दलीय प्रधान बना है। इसमें महत्वपूर्ण भूमिका हमारी यही रहेगी कि हमने सबको साथ में लेके चलेंगे, और पंचायत समिति और पंचायत राज के अंदर भ्रष्टाचार का काफी बोलबाला रहता है, और लोग मान भी लेते हैं कि वह भ्रष्टाचार होता है, लेकिन हम पहली बार मोलासर पंचायत समिति को इस तरह से चमकाएंगे कि कोई भी भ्रष्टाचार नहीं हो, पंचायत लेवल पर कोई भेदभाव नहीं हो, पिछली बार जो भेदभाव हुआ था उसको मिटवाने की कोशिश करेंगे, पक्षपात हुआ था जहाँ एक ही जगह पैसा देना और देना उसको मिटवाएंगे, और हमारी ये क्योंकि मैं हम सरपंच भी है तो सारी सरपंच यूनियन भी है, तो सब सरपंचों को साथ में लेके चलेंगे। पंचायत समिति का जो सवाल है, ये पहली बार हुआ है कि दो निर्दलीयों के बल पे और निर्दलीय ने ये पंचायत समिति पर कब्जा किया कांग्रेस के सहयोग से दिल्ली। तो जो दिल्ली के अंदर जो अभी किसान आंदोलन चल रहा है, तो आप काफी किसान आंदोलन के अंदर सक्रिय रहे हो, तो क्या लगता है जो ये जो तीनों जो बिल लेके हैं उसके ऊपर जो सरकार लेके आई, तो केंद्र सरकार, ये सही है या गलत है?
ये सरासर गलत है, किसानों के साथ बहुत बड़ा धोखा है। और केंद्र की मोदी सरकार जो कहते हैं नीरव बांसुरी बजा रहा था, रोम जल रहा था, नीरव बांसुरी बजा रहा था, ये खावट नरेंद्र मोदी पर लागू होती है। पूरा चारों ओर से दिल्ली किसान घेरे हुए हैं, लेकिन सरकार सुन नहीं रही है। तो मैं तो कहता हूँ कि ये आने वाले दिनों की बहुत बड़ी क्रांति होगी। और हमारे यहाँ से भी डीडवाना से नागौर से जत्था जाता, लेकिन मैं खुद स्वयं जिला परिषद का चुनाव लड़ रहा था, मात्र कुछ वोटों से हार गया। लेकिन अब हमारी तैयारी है कि हम एक दो दिन के अंदर कोटपुतली से जो हमारा जो अभी कोटपुतली पहुंचा जत्था, उसके साथ में हम रवाना होंगे। और राजस्थान का किसान भी यूपी पंजाब गुजरात हरियाणा सब किसानों के साथ में जुड़ेगा। और आने वाले दिनों में नरेंद्र मोदी सरकार को तीनों बिल वापस लेने पड़ेंगे, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। तो हमारे साथ इनके जो कार्यकर्ता है वो भी साथ है। तो साहब, जैसे अभी आपने प्रधान जीता के अभी प्रधान बनाया पंचायत समिति में, तो क्या लगता है कि और अच्छा विकास होगा? बढ़िया उसी जोरदार जी। तो इससे पहले कितने प्रधान बने? एक बढ़िया जी। इस पंचायत समिति आपकी उम्र तो एज तो काफी है, पहले डीडवाना पंचायत समिति थी, तो आपको लगता है भी आज तक ऐसा कोई प्रधान बना जो अच्छा विकास करा सका? नहीं, सही कराया आपका, अच्छा करा जी, अच्छा कराएंगे जी। तो आपको क्या लगता है जैसे मंजू देवी प्रधान बनी यहाँ से, तो विकास किस लेवल पर कराएंगे? देखो, ऐसी की कैंडिडेट है और इतना नॉलेज नहीं है, फिर भी सभी लोगों के सहयोग से हम कोशिश करवाएंगे, इनसे अच्छा काम करवाएंगे, किसी के साथ भेदभाव नहीं होने देंगे और अच्छी तरह से चलाने की कोशिश करेंगे। हमारे जो नेता है भागीर जी है, रामेश्वर जी है, इनका सहयोग लेंगे। ये राजनीतिक है, अच्छे मंजे हुए राजनेता है, इनको पूछ करके हम काम करेंगे और भ्रष्टाचार भी अंकुश लगाएंगे। तो बागरा जी, जैसे महिला सीट है तो आपके प्रधान की सीट है, आपने देखा होगा बहुत से जो अधिकारियों का दबाव, सत्ता का दबाव, आपको क्या लगता है अभी जो ये महिला जो सीट है, 5 साल का जो कार्यकाल कैसे रहने वाला है? देखो क्या होता है, वो खुद नेतृत्व पर नेतृत्व का असर होता है। जब हमारा मन साफ है तो कितना ही कोई किसी का दबाव हो, हमारा मन साफ है कि हम सबको साथ लेके चलेंगे। और पंचायत समिति, हमारी पंचायत समिति के अंदर है, अभी हमने पिछले सरपंच जीत गए, अच्छा कॉम्बिनेशन, सारे सरपंचों का अच्छा कॉम्बिनेशन है। और अभी टेंडर हो गए पूरी पंचायत के अंदर, वर्क ऑर्डर जारी हो जाएंगे। तो मैं कहता हूँ कि ऐसी कोई दबाव नहीं रहेगा और सत्ता का हमारे को सहयोग मिलता रहेगा, क्योंकि सत्ता का जो जैसे हमारे निर्दलीयों को सपोर्ट कांग्रेस पार्टी ने किया है, उन्होंने टिकट दिया है, तो सत्ता भी हमारे साथ रहेगी और कोई ऐसी बात नहीं होगी कि सत्ता के अंदर कोई हमारा कोई कंट्रोवर्सी हो। तो हम तो कहते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर पंचायत समिति को इस तरह से चलाएंगे और चलाने की कोशिश करेंगे। हम हमारी जो मंजू देवी जो प्रधान बनी है उसका पूरा हम सपोर्ट करेंगे, सारे सरपंच। और जैसा कि थानेदार जी ने कहा कि ऐसी की है, तो ऐसी कोई बात नहीं है, पढ़ी बच्ची है, समझदार है, और मैं कहता हूँ कि वो ऐसी छाप छोड़ के जाएगी 5 साल के अंदर, आज तक किसी ने छोड़ी नहीं। तो ये थे हमारे साथ बागरा जी कॉम्रेड, जिन्होंने बताया भी जो सीट रिजर्व हो या ओबीसी सीट हो या सामान्य सीट हो, लेकिन जो आज जो यहाँ से प्रधान बने हैं वो एक सक्षम प्रधान है, खुद काम करेंगे और इनकी जो भूमिका रहेगी पंचायत समिति के अंदर, ग्राम पंचायतों में जो सरपंच हैं सभी साथ मिलकर काम करेंगे। तो आने वाले टाइम के अंदर, वक्त के अंदर देखा जाएगा भी इस पंचायत समिति के अंदर कितना भ्रष्टाचार का बोलबाला रहेगा या अच्छा विकास देखने को मिलेगा। हमारे कैमरामैन सोगी के साथ में सुभाष चौधरी।